स्टूडेंट दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. नाउ स्टार्ट थॉमसन मॉडल. थॉमसन मॉडल ही स्टेटेड दैट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर एम्बेडेड जस्ट लाइक द सीड्स इन वाटरमेलन. तो पहले इसको पढ़ने से पहले हम इसको समझ लेते हैं होता क्या. थॉमसन मॉडल को किसने दिया? सर जे जे थॉमसन हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट अ मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और फर्स्ट सजेस्ट किया इस मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर का. ऑल एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने कहा जितने भी एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं. द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, एटम्स होल इज न्यूट्रल होते हैं. द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल निगेटिव चार्ज मस्ट भी इक्वल, उसमें क्या होते हैं जितने भी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होते हैं मस्ट भी इक्वल. ही विजुअलाइज्ड ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम एज बीइंग स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट स्फीयर एटॉमिक डायमेंशंस अप्रॉक्स 10^-10 मीटर इन डायमीटर. उन्होंने कहा कि विजुलाइज किया कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं एटम में वो स्प्रेड होते हैं आउट ऑफ यूनिफॉर्म थ्रू आउट स्फीयर एटॉमिक लाइक दिस वर स्मॉल पार्टिकल टूगेदर करे निगेटिव करे. तो इसको इन्होंने थॉमसन पाम पडिंग मॉडल नाम भी दिया था थॉमसन. तो ये देखिए कि एक लाइक वाटरमेलन, जानते हो वाटरमेलन के जो अंदर सीड्स होते हैं, तो उन्होंने जो अंदर सीड्स होते हैं उसका उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हुए हैं और जो उसका वो बाहर का जो रेड कलर में होता है वो आपका हो गया. तो उन्होंने क्या किया, एटम्स आर एम्बेडेड जस्ट लाइक द सीड इन वाटरमेलन एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. और मतलब एम्बेडेड थे उसी में फिल्ड थे लाइक अ सीड वाटरमेलन में जैसे होते हैं और टोटल पॉजिटिव चार्ज उसमें क्या होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो उन्होंने बोला एटम्स होल इज जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो ये सब का नाम जैसे आपका सीड्स हो गया इसका नाम इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया. दिस मॉडल वॉज फेल बिकॉज थॉमसन डिड नॉट गिव एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस रिगार्डिंग हिज मॉडल. ये मॉडल उनका फेल हो गया था. क्यों? तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इक्वली पॉजिटिव चार्ज इज एटम दे वर स्टर्ट इन एटम लाइक पंप इन पटिंग. स्टम मतलब उसे धसे हुए होते. द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉज सच इट गिव द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट, जो कि मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट. दिस मॉडल ऑफ द एटम वॉज ऑफन कॉल्ड द पंप पडिंग मॉडल ऑल्सो द रेसियन पडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल. ड्रॉबैक्स सब इनका पढ़ते हैं हम. दो द मॉडल मतलब इन्होंने रीजन ही नहीं दिया था जो एविडेंस रिगार्डिंग उस मॉडल के थे. दो द मॉडल वॉज एबव द एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रली ऑफ एटम इट कुड नॉट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन द रिजल्ट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड बाई द रदरफोर्ड. अब यह एक्सपेरिमेंट किसके पास गया, रदरफोर्ड. रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मॉडल. हाँ, उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड कंक्लूडेड अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट इन 1909. इन दिस एक्सपेरिमेंट अ वेरी थिन फॉयल ऑफ गोल्ड 0.004 mm, मतलब बहुत ही थिन फॉयल लिया था गोल्ड का, उसका कितना वो था 0.004 nm इज बम्बार्ड बाई अ फाइन स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल अ फ्लोरेसेंट ऑफ द जिंक सल्फाइड प्लेस बिहाइंड द गोल्ड फॉयल. देखिए ये देखिए इन्होंने फॉयल लिया है किस, ये फॉयल देखिए ये क्या था, गोल्ड फॉयल था. और यहाँ पे एक रेडियो वेक्टिव सैंपल्स है जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल को बम्बार कर रहे. तो ये थिन फॉयल ऑफ गोल्ड, अरे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे अपने पार्ट से. तो क्या किया, इन दिस फेमस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड बम्बार फास्ट मूविंग एक्सरे टू विद थिन गोल्ड कॉइन एडजस्टेड इन द फ्रंट ऑफ अ मोएबल जिंक सल्फाइड. ये क्या था आपका, मोएबल जिंक सल्फाइड था. ये क्या है, जिंक सल्फाइड है, ये जो आपका राउंड शेप में दिख रहा है. स्क्रीन एक्सरे इज यानी अल्फा पार्टिकल इज रेज कन्वर्टेड इन टू द बीम ऑफ यूजिंग नैरो स्प्लिट. देखिए नैरो स्प्लिट बीम ऑफ यूजिंग, जो बीम इसमें यूज किए गए ये देखिए ये आपका बीम है. दिस 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 ही फाउंड कम स्पॉट ऑन द जैसे स्क्रीन, मतलब इन्होंने क्या पाया कि जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे अल्फा पार्टिकल, तो ये डेविएशन हो जा रहा है इसका अदर अदर डायरेक्शंस में. तो इससे क्या कंक्लूजन निकला,
इससे उन्होंने ऑब्जर्व किया, रदरफोर्ड ने कैरीड आउट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग अल्फा पार्टिकल बाई वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड. मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल 99% पासेस थ्रू इट विदाउट डेविएशन ऑफ डिफ्लेक्शन. मतलब बहुत सारे उसमें से मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स थे, बिना डेविएशन ही वो डिफ्लेक्शन हो जा रहे थे. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाई लार्ज एंगल्स एंड डिफ्लेक्टर 180. मतलब यहाँ पर देखिए, जब एक यहाँ पर किए बम्बार के आए अल्फा पार्टिकल का, तो कुछ अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में चले गए, इस डायरेक्शन में कुछ लार्ज डायरेक्शन में, और कुछ बिना मूव हुए ही वहीं रह गए. तो कंक्लूजन क्या निकला इससे, उनका कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन देखते हैं. बाई हिज एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट द इंस्टीट्यूटिंग स्पॉट्स आर ड्यू टू द पेंट्रेटेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम एटम ऑफ गोल्ड. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम्स इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सरे गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन. सम अल्फा रेज डिफ्लेक्ट एट एन एंगल मोर देन 90 degrees एंड सम एट द एंगल लेस देन 90 degrees. अ वेरी फ्यू अल्फा रेज पार्टिकल्स रिट्रेसेस इट्स पाथ. This is due to the fostudens center, which is the not penetrated by alpha particles, means it is hard to. Rutherford called this fostudens center as the nucleus. This radius of nucleus, it is of the order of 10^-15 meters, while the radius of atom is order of 10^-10 meters. Now, तो इसमें कह रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे 90 degrees के एंगल बना रहे थे, कुछ 90 degrees से ज़्यादा बना रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिना रिस्ट्रेसी पाथ को जा रहे थे. तो इसमें आपका बोला है मस्ट हॉलो सेप में लिया था, कंसिस्ट मोस्टली एम्प्टी, जो कि उन्होंने बोला वो कंसिस्ट किया था कि वो पूरे स्पेस ही मोस्टली एम्प्टी है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड लार्ज स्टैंड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव चार्ज, वेरी लो मास, कैन नॉट डिफ्लेक्ट हैवी पॉजिटिवली चार्ज. ओके, द मस्ट वेरी हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी सम एटम न्यूक्लियस विच डज नॉट परमिट द पासिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स. होप सो आपको इतना समझ में आया होगा. तो क्या किया अब इस पर देखिए, एक्सरे पर इस पे देखिए, जैसे ये फॉयल है, अब इस पे इन्होंने एक्सरेज को दिखाया है कि ये देखिए कुछ अनडिफ्लेक्टेड रेज है, कुछ डिफ्लेक्टेड है, कुछ 90 लार्ज डिफ्लेक्शन हो रहा, और किसी में भी अल्फा पार्टिकल किसी में वो डिफ्लेक्ट होकर अपनी ही पाथ की ओर वापस आ जा रहे. इट हैज़ बीन फाउंड द रेडियस ऑफ एटम, ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, अभी आपको एक्सप्लेन किया था. क्या किया था, अ वेरी फ्यू 1 in 2000 angstrom अल्फा रेज पार्टिकल्स रिट्रेसेस इट पाथ. दिस इज ड्यू टू द पोस्टीरियर सेंटर विच इज नॉट पेनिट्रेटेड बाय अल्फा पार्टिकल्स, मींस इज हार्ड टू. रदरफोर्ड कॉल दिस पोस्टीरियर सेंटर एज न्यूक्लियस, यानी इसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस दिया. दिस रेडियस ऑफ, मतलब यहाँ पर उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कुछ तो है जो कि क्या कर रहा है, इसे डिफ्लेक्ट कर रहा है या अपनी पाथ की ओर मोड़ दे रहा है. तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कोई हैवी पार्टिकल्स या कुछ ऐसा चीज़ है जो कि इस रेज को डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियस दिया कि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-15 meters, वाइल द रेडियस ऑफ एटम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-10 meters. आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड कंक्लूडिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स एज पेनिट्रेटरी इलेक्ट्रॉन, ही सेड द इलेक्ट्रॉन इज एन एटम आर सिमिलर टू द प्लैनेट्स अराउंड सन. उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है सिमिलर है अराउंड अ सन, जैसे सन है मतलब सन है, उसके अर्थ जो रोटेट करता है, तो मतलब सन उसके चारों ओर रोटेट कर रहा है अर्थ, तो उन्हीं के इलेक्ट्रॉन उस वैसे ही बहुत. उन्होंने बताया कि हमारा इलेक्ट्रॉन भी वही चारों ओर क्या कर रहा है, मतलब उसके रिवॉल्व्स अराउंड चक्कर लगा रहा है.
अब इन्होंने क्या बताया आगे, व्यू वॉज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लानट एंड सन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्सेस उन्होंने बता दिया, इट मीन्स एफ इजक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, इसे आपने नाइन्थ में पढ़ा था अट्रैक्शन बिटवीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू, एफ इजक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट यानी क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इजक्वल टू यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा एफ इजक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। नाउ दीज न्यू फोर्सेस कैन नॉट बी कंपेयर बिकॉज दे आर एंटायरली डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। रदरफोर्ड स्टेटेड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, बट दिस व्यू वॉज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बिकॉज एनी चार्ज पार्टिकल्स इन सर्कुलेटरी मोशन हैज एक्सेलरेशन, सो इट विल रेडिएट एनर्जी एंड दस ड्यूरिंग इट रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन्स विल लूज एनर्जी एंड इट पाथ बिकम्स स्मॉलर एंड फाइनली इट विल फॉल इन टू द न्यूक्लियस बाई स्पायरल मोशन, बट इट डज नॉट हैपन। रदरफोर्ड डिड नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट दीज टू फेल्योर। उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस एटॉमिक मॉडल में कि जो हमारा मॉडल होता है लाइक सन होता है, जैसे उसके चारों मतलब अराउंड प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बताए कि वो रिवॉल्व करते रहते हैं। और क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो रिवॉल्व करते हैं ऐसे। और फिर क्या बताया उन्होंने, उन्होंने ये बताया ड्रॉबैक्स इनके ये थे, इन्होंने यही ड्रॉबैक्स देखते हैं पहले इनके। तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन क्या करते हो रिवॉल्व करते रहते हैं, और क्या होगा एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस में जाकर गिरेगा स्पाइरल मोशन में जब रिवॉल्व करते हैं। लेकिन ये भी एक्सपेरिमेंट उनका क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने टू रीजंस नहीं बताया क्यों ऐसा होता है। ओके क्लास, ओसो आपको इतना समझ में आया होगा, जिसमें प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।